हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ब्लॉग फॉर एमडब्ल्यू आर आप लोग स्पेशल अलहमदिल्ला हम लोग भी अच्छी हो सबका। अस्सलाम वालेकुम। अब मेरे को ना ठंडी लग रही, ना के आई ना ठंडी पानी से, इसके लिए ठंडी लग रही, इसके लिए मैं ये ओढ़ के बैठी हूँ। अड़ गया मेरा हस्बैंड नहाने के लिए, लड़का का भी नहा के हो गया, रोटी वोटी बना के हो गया, खाली नाश्ता करने का। 100 रुपया ले गया, बोल 50 का कांदा दो 3 किलो देंगे और बाकी पैसा वापस ला। एक मिनट, तो चलिए गाइस, पूरा दिन क्या करूँ क्या नहीं देखा रही आप लोग को। और अभी तो नाश्ता करने का, दूध बिस्किट खाने का, दूध बिस्किट ग्रीन टी, मेरा हस्बैंड ना के आएंगे तो फिर ग्रीन टी बनाएंगे। मैं दूध दूध गर्म हो गया सब, मैसिंग लगाने का कपड़ा धोने के लिए जा रही, मैसिंग लगा के कपड़ा भिगा कर रखी, लगा देंगे तो चालू हो जाएंगे, मैसिंग चालू करके अब कपड़ा धुल जाएगा। अब मेरा लड़का जा रहा है कांदा लाने, कांदा ख़त्म हो गया है इसके लिए। और मेरा मुंह कैसा ग्लो कर रहा है, मेरे को वाइट वाइट लग रहा है, जैसा बहुत वाइट लग रहा है। हाँ, पूरा बोडोलिंग लगाती रोज रात को सोने का टाइम, खाली इधर थोड़ी कुछ हो गए तो इधर दाना दाना है वो भी चला जाएगा धीरे धीरे। देखिए रोज बोडोलिंग लगा लगा के इधर पिंपल्स आए थे, इधर जिसको मैं नोज दी थी इधर निशान आ गया, इधर आ गया निशान, ये सब जगह निशान निशान आ गया, काला काला इधर ये देखे सब जगह। एक बोडोलिंग लगा ना एकदम सॉफ्ट हो जाता है शाम तक। तो चलिए थोड़ी देर बाद मिल रहा आप लोग से। आज नाश्ते में केक, काल की केक बचा था हुआ, दूध और बिस्किट लेंगे और सबका पैक के रखे। मैं मेरा हिस्सा ले ली, अब फिर से चालू कर, नहीं आप भी लगाए। मैशिन लगा के तो अभी एक दो दिन में धूल में मैशिन लगा। हाँ बोलिए, एक दो दिन में फिर धुले जाएगा ना। तेरी गलती है, मेरी गलती, मेरा ऊपर पक 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 कर दिया। चलिए दूध दूध पी लो, ऐसे ही मेरा दिमाग खाएगा। अभी उन्हें खोल देंगे, अभी थोड़ा गर्मी होने लग गया ना तो ठंडी लगता है, अभी चलेंगे। चलो हाय गाइस, तो चलिए मैं नाश्ता पानी हो गया था मेरा, कपड़ा डाल के भी हो गया, कपड़ा धो धा के डाल के ली, और लड़की कॉलेज चली गई। लाइट बंद मत करो पंखा, एक मिनट। भाजी जी काट के हो गया, अभी सिर्फ भाजी बनाने का और नाश्ता बनाने का थोड़ा कुछ। और अभी पहले मैं झाड़ू लगा लूँ हॉल को, लड़की बेडरूम और किचन झाड़ू मार के गए हैं, हॉल बाकी है। और मेरा लड़का बुक लेके बैठा है देखाड़ू, वो पढ़ाई कर रहे है, और पंखा ऑन करके रखो, ठंडी लग रही है लेकिन उसको गर्मी हो रही है, वैसा ही झाड़ू लगा के फिर जाएंगे खाना बनाने के लिए, नाश्ता भी बनाने का खाना भी बनाने का दोनों। आज खाने में बनेगा सूरन की भाजी, आलू सूरन की भाजी बनेगा मसाला वाला। तो कल मच्छी बनाई थी, पूरी मच्छी ख़त्म रात को, मच्छी भी ख़त्म, जितना चावल बना था सब ख़त्म भी हो गया था। चावल मतलब परसों का एक पतली था, एक डेढ़ पतली, उसका पहला दिन का भी था तो बहुत चावल हो गया था। तो परसों हम लोग ने खाना नहीं खाए थे,
सब वो बर्थडे का खाना आया था तो उससे हम लोग खा लिए थे फेंकने से अच्छा। तो चावल रह गया था तो काल लोग पूरा चावल को ख़त्म कर दी, चावल भाजी सब ख़त्म हो गया था कल। और मेरी लड़की मच्छी बहुत कम खाती है, बहुत मच्छी वो नहीं खाती है। अरे बंगाली मच्छी बंगाली हिसाब से बनाएंगे ना, मैं बंगाली स्टाइल में बना के देंगे ना तो खा लेती है, तब नौकरा नहीं मारती है वो, पूरी खाना खाती है तभी। अगर मैं नारियल डाल के बनाई, मेथी फोड़नी लगा के मेथी का छोंक लगा के नारियल डाल के बनाई तो जल्दी से खाती नहीं है, तब उसका बहुत नकड़ा चालू हो जाएंगे, ऐसा क्यों बनाया वैसा क्यों बनाया तुम अलग से क्यों नहीं बनाया ऐसा उसका चालू रहती है। इसके लिए कल वैसा बनाई तो पूरा पेट भर के खाना खाया, कॉलेज से आके भी खाना खाया, फिर रात को हम लोग का साथ में भी वो पेट भर के खाना खाए। तो अभी आलू और सूरन की भाजी बनाएंगे तो खा लेंगे वो, ना ये नहीं करेंगे क्योंकि वो भी उसको पसंद है। तो चलिए मैं फटाफट झाड़ू लगा लूँ फिर जाओ खाना बैठाऊँ और देखा लूँ आप लोग को मैं आलू सूरन की भाजी कैसा बनाती हूँ। झींगा डाल के बना सकती थी, कल अगर उसका पापा झींगा लाता तो झींगा डाल के बनाती थी तो इन लोग सब ख़त्म, तो नहीं बना नहीं लाया तो ऐसे ही। तो आज सादा ही बनाएंगे, तो चलिए देखते रहिए साथ रहिए। देखिए इधर सब कपड़ा उपड़ा पड़ा है, सब कपड़ा लेके जाना पड़ेगा, ये लेके जाएंगे और नहीं रहेगा क्योंकि नमाज उमाज होता है ना तो ओढ़नी ओढ़ना पड़ता है कभी कभी। तो घर पे रहते तो मैं ओढ़नी नहीं ओढ़ती हूँ क्योंकि कोई नहीं रहता है ना घर पे, इसके लिए ऐसी रहती हूँ तो नमाज के टाइम पर लेती हूँ। अरे मेरा कपड़ा ये लेके जाना पड़ेगा। और वो गोदरी है ना वो उसका पापा को लागता है रात को, क्योंकि उसका पापा इधर सोता है ना तो हाथ ऐसा करेंगे ना तो ये खाली ज़मीन है ना तो ठंडी लगती है, इसके लिए गोदरी लेके सोता है, वो गोदरी उधर डाल देता है तो हाथ फैलाएंगे तो कुछ ठंडा नहीं लगता। अरे देखिए ये कर रहा है पढ़ाई लिखा, इसका होमवर्क बाकी है वो कर रहा है, बाकी सब साफ हो गए। उधर मेरा पानी बॉटल उसका पापा का ये सब ये लेके बैठा है उस उधर रखती हूँ, ये पीता है पानी बहुत पानी पीता है। इसके लिए देखिए बोली तो देखिए बोलने का जितना दे। अरे अरे मन करते तो भैया लोग मेरा गला सूखता है। अरे उधर भी सब साफ सफाई हो गए पूरा, मेरा पानी पीने का यूनिक स्टाइल देखिए, ये बहुत बदमाशी करता है, बहुत बोले तो बहुत ही पढ़ाई हो रहा है। कौन सा हो रहा है इंग्लिश? तो साइंस साइंस बैग सब लेके बैठा है। तो चलिए मैं झाड़ू
तो चलिए गाइस मैं नाश्ता बना लूँ। और आज नाश्ते में क्या बना लूँ, ये हम लोग बंगाली में बोलते हैं गोला रोटी, इधर बोलते हैं क्या चिल्ला। इधर चिल्ला बोला जाता है। मेरी लड़की बना के गया, दो तीन आखिरी का एक बच है वो मैं बना ले रूँ, क्योंकि उसका डब्बे में भी दे दी, डब्बे में वो लेके गया और ये लास्ट आराम लोग के लिए रख के गया। इसमें अंडा, कांदा, कोतुम्बीर, हरा मिर्ची, नमक और आटा, एक अंडा डाल दी। ये लास्ट ही है, ये बना लेंगे ना हो जाएगा। फिर कैसा ये होते रहे, फिर मेरे को भाजी बटाने का है। चलिए इसको गाइस ये हो क्या आया, तो बाकी जो तीन है ना इसका ऊपर डाल के ना थोड़ा गरम कर के लेंगे। मेरी लड़की को बोली थी मत बना, तू तेरा लेके जा और हम लोग का रख दे, हम लोग जब खाने का रहेगा बना के लेंगे। नहीं, वो बना के रख के गया ना, ठंडा हो गया ना तो मज़ा नहीं आएगा, ठंडे में ठंडा हो जाएगा। तो इसको ऐसा करके मेरा दो, मेरा लड़का का दो, और वो उसके लिए दो लेके गया। ऐसा थोड़ा गर्म करके लेंगे ना तो खाने में टेस्टी लगेगा। तो चलिए मैं सब गर्म हो क्या है, चारों ही दे दी अभी, चारों को उलट पलट करके गर्म करके ले रही। तो कैसा गरम गरम खाने में टेस्टी लगेगा, इसका साथ कुछ ही नहीं चाहिए रहता। मीठा बना तू ना, हर टाइम मेरे को अभी मीठा पसंद नहीं आ रहा है, इसके लिए आज बोली थोड़ा तिक्का बनाओ, तो तिक्का भी खाने के लिए अच्छा लगता है, तो इसके लिए तिक्का बनाए। तो चलिए ये हो गया, इसको एक बार पाल्टी मार दूँ, पाल्टी मार के इसको साइड कर दूँ। ये वाला गैस में तेल गर्म होता है, इसमें डालेंगे दो तेज पत्ता, बीच में से फाड़ दी दोनों तेज पत्ते को, और डालेंगे थोड़ा सी जीरा और गरम मसाला अभी नहीं डालेंगे, मैं पाउडर है ना तो आखिरी में डालेंगे उसको, जब मेरा भाजी बन जाएगा तभी। अभी इसमें डाल देंगे कांदा चॉप किया, और मैं चॉप करके डाल दूँ, आप लोग का हिसाब से डालने का। मैं जैसा खाना बनाती हूँ मैं वैसा ऐसा कांदा वो हिसाब से काट के मैं डालती हूँ। जैसा कल मच्छी में लंबा लंबा करके कांदा काटी थी, बारीक बारीक काट के डाली थी, वैसा मैं खाने का हिसाब से मैं कांदा भी काट के डालती हूँ। चॉप करके डालेंगे तो ग्रेवी में, ग्रेवी अच्छा बनता है, थक थक बनता है ऐसा। तो चले कांदा क्यों, तो चले गाइस मेरा कांदा हो के आया, गोल्डन गोल्डन हो गया। अभी इसमें डाल देंगे मैं मसाला, अदरक लहसुन, हरा मिर्ची, जीरा, टमाटर, दो टमाटर ली मैंने, और थोड़ा सी लहसुन, एक का एक पूरा अखा लहसुन, और थोड़ा अदरक, और थोड़ा सी जीरा, और हरा मिर्ची एक, क्योंकि टिक्का आप लोग का हिसाब से डाल सकते हो इसमें। मैं मेरा हिसाब से टिक्का डालती बोल के इसके लिए हरा मिर्ची एक ही डालती हूँ हमेशा, बाद में लाल मिर्ची का इस्तेमाल होता है इसमें। अरे देखिए मसाला, ये जो है ना एक चम्मच काला लाल मिर्ची है, लाल होगा, नमक अपना हिसाब से स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर थोड़ा सी, लाल मिर्ची आधा चम्मच, और धनिया पाउडर छोटा चम्मच, एक चम्मच,
लाल मिर्ची थोड़ा सी इसके लिए ली, वो तिक्का वाला है। फिर इसमें गरम मसाला जाएगा और भी तिक्का हो जाएगा, इसके लिए कम इस्तेमाल करने का तिक्का। हम लोग तिक्का थोड़ा कम खाते बोल के इसके लिए, और काला लाल मिर्ची डाल देते बोल के भाजी थोड़ा कालर हो जाता है। तो चलिए इसको भूंज के लो। तो चलिए गाइस, मेरा मसाला तो हो के आया, अभी इसमें डाल देंगे मैं आज बटाटा और सूरन। मैं ऐसा बड़ा बड़ा करके बटाटा काटी, सूरन भी ऐसा ही है देखिए, और इसको अच्छे से मिक्स करके लेंगे। थोड़ी देर अभी मसाला का साथ इसको भूंज के लेंगे, फिर पानी डाल के इसको बैठा देंगे। जब हो के आएंगे ना, तब मैं गरम मसाला डालेंगे आखिरी में, अभी नहीं। चलिए इसको भूंज के लिए अच्छे से। चलिए गाइस ये हो गया, ये पानी डाल दो। इसमें कोतम्बीर है काटी थी, तो कांदा कोतम्बीर की पानी डाल दी, और थोड़ा पानी डालना पड़ेगा, पानी थोड़ा इसमें जास्ती डालना पड़ेगा, क्योंकि सूरन और हमारा बटाटा है नया, जो टाइम लगता है पकने में। बस आज पानी नहीं डालेंगे, अब इसको ढक के बैठा दो। ये होते रहे, जब पक जाएंगे दोनों चीज तब इसको बंद करेंगे गरम मसाला डाल के। तो चलिए ढक दो। तो चलिए वो नाश्ता भी ले लूँ हमारा गरम गरम। लाइट बंद कर देंगे मेरा बेटा। चलिए हमारा चिल्ला, बंगाली में बोले तो घोला रोटी, और इधर का भाषा में बोलेंगे तो चिल्ला, इधर का लैंग्वेज में इसको बोलते हैं चिल्ला। अभी भी गर्म है, तो चलिए मैं खा लूँ फिर मिल लूँ आप लोग से। तो चलिए गाइस मेरा भाजी हो गया, देखिए एकदम ठक ठक हो गया मेरे को सालन। अरे ये सब भाजी में सालन ऐसा ही हो जाता है। आप डाल देंगे थोड़ा सी गरम मसाला, थोड़ा ही डाली जास्ती नहीं, क्योंकि ये मेरा घर का बना हुआ गरम मसाला। मेरा सूरन ना फूट जा रहा है थोड़ा जास, अच्छा सूरन दिया एकदम पक गया सूरन। बस गैस बंद कर दूँ, नहीं तो मेरा सूरन का सुर भी नहीं बचेगा, रिन रह जाएगा। ये देखिए फूट गया पूरा, ये देखिए, ये देखिए ये साइड में तो पूरा सूरन फूट गया। इसके लिए चलिए अभी गैस को बंद कर दी, अभी ढक के रख दूँ तो कैसा इसका खुशबू रहेगा फिर खाना करने के। चलिए गाइस मैं लेके आ गई मेरा खाना, चावल भाजी क्या, अच्छा देखा रो अभी बोलो तो। अरे वो मटन है, कौन बोला? अरे सब पता है भाजी मटन का, वो बोल रहा है एक मिनट। उसको खाना दी भाजी चावल, और लिया देखा सुना भी क्या है भाजी आज, तो बोलता है अभी दी तो मटन का जैसा गरम मसाला डाला तो ऐसा ही खुशबू आता है ना मटन का जैसा, तो बोलता है मटन है क्या? मैंने बोली हाँ मटन है, मालूम है फिर भी पूछेंगे तो क्या जवाब देने का, मैंने बोली हाँ मटन। आप बोलता है नहीं वो रियल मटन नहीं है, तो मेरे को उल्लू मटन जैसा दिखता है मटन है। आप बोलते है तुम मेरे को झूठ क्यों बोले, मटन नहीं है वो भाजी है, तो उसको मालूम रहे कि भी अगर पूछेंगे तो क्या बोलने का, कुछ बोलने के लिए वास्ता है उसको।
खुशबू भी वैसा ही आ रहा है ना मटन जैसा। खाली मटन की कमी है ना रे, खा ले मटन सोच के एक दिन मटन सोच के खा लेने का हो देखे। चाव रोटी भाजी खा रहा है। पूरी सुरन पक गए एकदम गल गया एकदम। सुरन अच्छा दिया था इसके लिए गल गया। अच्छा सुरन रहेगा ना गल जाता है। टमाटर थोड़ा जास्ती डालने का, दो टमाटर डालने का तो भाजी खट्टा खट्टा लगता है तो और भी टेस्टी बनता है। भाजी बहुत टेस्टी बना, ख़त्म हो जाएगा रात तक पूरी। अभी मेरी लड़की आके खाएंगे, रात को उसका पापा हम लोग सब तो चले खाना खा लूँ तो शाम को मिलूँ आप लोग से। चले गाइस आज आप लोग को दिखा लूँ मेरा गोली कौन सा चलता है। देखिए एक गोली चलता है, एक गोली एक कैल्शियम की है, अरे बीपी उपी सब मिला के, बीपी डायबिटीज दोनों मिला के एक गोली, एक गोली अरे एक गोली अभी दोपहर को चलता है। और ये गोली ये रात की गोली, रात की डायबिटीज की गोली मेरा, रात को खाती हूँ डायबिटीज की गोली। और ये कोलेस्ट्रॉल की गोली, ये कोलेस्ट्रॉल की गोली है ये। और ए डी एक्सर मतलब एसिडिटी के लिए दिया, जब एसिडिटी ना हो गैस उस ना हो इसके लिए डी एक्सर ये खाना पड़ता है। मैं डी एक्सर लेती हूँ, कौन सा भी गोली चलता है एसिडिटी के लिए तो मैं डी एक्सर कर लेती हूँ। और इसका नीचे ये जो पिंक पिंक कलर का ये हो रहा है मेरा सुबह का डायबिटीज़ की गोली, ये देखिए तीन है, एक दो तीन, तीन दिन का गोली है मतलब मंगलवार तक गोली है। आज का तो हो गया संडे मंडे ट्यूसडे, तो मेरे को गोली मंडे को लेकर आना पड़ेगा। बस ये गोली अरे थायराइड की गोली, ये देखिए मेरा थायराइड की गोली है देखिए, देखिए 50 mg का। मेरा बारे या कम है लेकिन कितना भी रहे नॉर्मल रहता बोल के मेरे को 50 mg का थायराइड, बस यही है गोली। तो चले गाइस मैं दोनों गोली ले ली, ए जो बोली ए बी पी और डायबिटीज और क्या क्या ए कोलेस्ट्रॉल इसका कैल्शियम की, तो चले मैं खा लूँ एक गोली खा लूँ दोनों गोली। हो गए गोली खा के भी हो गए सब हो गए, अभी के लिए फिर रात का तो चले फिर मिल रहे आप लोग। तो गाइस आ गया कुरमुरा और समोसा, ये देखिए समोसा और कुरमुरा नाश्ते में। मेरे को भी कुरमुरा ला के देना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है समोसा से कुरमुरा खाने के लिए। मेरे को भी देना। ए बाबा दोपहर को जो मैं बनाई थी वो मटन था ना। हाँ क्या? हाँ ये बोल रहा है नहीं बोल जरा चाटे में पापा से पूछवा सकता हूँ तेरे को। चले आने
बेटा पापा से पूछा करो। हाँ ये वो रोटी खाता हमेशा, लेकिन आज रोटी भी खाया चावल भी खाया मटन का बाजी का। तो चले गए इसमें खा लूं। तो गाइस मैंने मटन नहीं बनाई, आप लोग सीरियस मत लीजिए। जब मेरे को ये देखा है सुरन और बटाटा का भाजी हम लोग को देखा है और इधर मटन बना के खाया, नहीं ऐसा कुछ नहीं। और मैंने बनाई थी भाजी वैसा एकदम मटन की जैसी लग रहा था। इसके लिए मेरा लड़का को जैसे ही थी खाना बोलते मटन बनाए, मैंने बोली हाँ मटन बनाए तो खाया। बोलते हैं तुम मेरे को उल्लू बना दिया। बोलता मटन नहीं था वो सुरन था, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी बना था, एकदम मटन फेल था। तो मेरी लड़की आके कॉलेज से आकर पूछ रहा है क्या बनाया मम्मी खाने पे, मैंने बोली मटन बनाए बिगाड़ हड्डी वाला मटन एकदम, क्या बोलते हैं वो कौन सा बॉयलेस मटन जिसमें हड्डी नहीं है वो मटन। बोलता है तुमने काटे थे सुरन काट रहे थे मटन की जैसा। तो ही मेरा लड़का को बोल रही बोल मटन बनाए थी क्या बनाए थी, बोलता है मटन। मेरा लड़का खाली रोटी खाता है, ऐसा भाजी बनेगा कुछ तो खाली रोटी खाएगा, और जो उसको अच्छा लगेगा जो भाजी तो उससे रोटी भी चावल भी दोनों खाता है। तो आज दोनों ही खाया था, रोटी भी चावल भी, और पूरा थाली साफ करके खाया। उसका बहुत नाटक है इसका भी खाने पीने में। तो ही वो मटन बनाए मटन नहीं बनाई थी मैंने उसको, और अभी खाली समोसा और कुरमुरा मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए और क्या देखा, कुछ दिखाने के लिए है ही नहीं। तो वीडियो भी इधर ही ख़त्म कर दूँ, खाते खाते आज का वीडियो इतना है। हम लोग का वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर, आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, उसके लिए पैसा नहीं लगता। फिर कल नया वीडियो का साथ मिलेंगे। बाय, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, शुभरात्रि, शुभ दिन और हैप्पी नाइस डे। तो चलिए बाय, और दुआ में याद रखना। बाय।